नमो ब्रह्मदेवाय गोधराभणहिताय च वंदाय नमो नमः। श्रील प्रभुपाद जी ने एक पत्र में लिखा है कि हमने आधा काम कर दिया और आधा काम बाकी है। तो उन्होंने बताया है कि स्पिरिचुअल लाइफ में हमें चैतन्य महाप्रभु को फॉलो करना है, भगवान कृष्ण का कीर्तन, उनसे प्रेम करना और व्यवहारिक जीवन में महात्मा गांधी के सिद्धांतों को मानना है। इन्होंने पत्र में पढ़ा है और वे कहते हैं कि गायों की रक्षा, गाय का पालन करना बहुत आवश्यक है। तो अब आधा काम ये रह गया है कि गायों का संवर्धन किया जाए, गायों का पालन किया जाए और खेती को प्रोत्साहित किया जाए। यही उन्होंने कहा है। भक्तों को चाहिए कि वे खेती करें थोड़े भूखंड में और गायों का पालन करें। इस पर उन्होंने बहुत जोर दिया है। तो प्रत्येक महापुरुष ने इस प्रकार गोपालन पर जोर दिया है। गुरु गोविंद सिंह जो सिखों के दसवें गुरु हैं, उन्होंने गाय पर बहुत लिखा है और गाय की रक्षा पर बहुत जोर दिया है और सभी ने ऐसा किया है। तो श्रील प्रभुपाद जी ये चाहते थे कि गायों की रक्षा की जाए, गायों का पोषण किया जाए। और उस पत्र में उन्होंने विस्तार से कहा कि ये भक्त का पर्सनल लाइफ होना चाहिए, व्यक्तिगत की वे गाय को केयर करे, गाय की रक्षा करे, गाय को सहलावे, गाय को खिलावे और गायों को नहलावे। इस तरह से यदि गायें सुखी रहेंगी तो मानव जाति सुखी रहेगी, अन्यथा सुख का कोई प्रश्न नहीं है। ये गायें सुख का आधार है। હું એક પુનઃ એક નિવેદન કરીશ એકવાર લાલ ગોવિંદ પ્રભુને કે જે પ્રોજેક્ટ ઇન્ચાર્જ છે એની કૃપા કરીને નિવેદન કે સ્ટેજ ઉપર આવે। ગૌ માતાની સેવા કરવાથી ભક્તિનું સાધન તરત સિદ્ધ થઈ જાય છે। નિરંતર વિચરણ કરવા વાળા સુખદેવ ગોસ્વામી પણ ગાયના દર્શન કરીને ત્યાં ઉભા રહી જતા।
आपकी इस गांव को इस धरती को मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि इस धरती ने इस गांव ने आपके समाज ने लाल गोविंद जैसा पुत्र दिया है, विश्व को दिया है।